दोस्तों, मटर के छिलकों का मैं आज आपको एक ऐसा फ़ायदा बताऊंगा जो आप अपने पौधों में करेंगे तो आपके पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ भी होगी और जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उसमें फ्लावर भी अच्छे आएंगे और अगर आपने फ्रूटिंग प्लांट लगा रखे तो उसमें फ्रूट्स भी अच्छे आएंगे। दोस्तों, मटर के छिलके जो हैं ये बहुत अच्छी खाद का रूप होते हैं अगर हम इसको पौधों में जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से इसको यूज करेंगे। तो आजकल जो है मटर का सीज़न है, मटर हम खाते हैं उसके बाद जो छिलके होते हैं इसको फेंक देते हैं। इसको फेंकने से अच्छा अगर हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे तो हम अपने पौधों में अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। दो तरीक़ों से इसको अपने पौधों में यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग खासकर जो बालकनी गार्डनिंग या किचन गार्डनिंग करते हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि उनको खाद अगर ख़रीदते हैं मार्केट से तो बहुत महंगी मिलती है। अगर हम घर के ही जो किचन वेस्ट है उससे अगर खाद बनाते हैं तो वो बहुत फ़ायदेमंद होती है अपने पौधों के लिए। और किचन वेस्ट जो है वो हम जो कचरे के डब्बे में डालते हैं, गीला कचरा या सूखा कचरा, ऐसा कोई झंझट नहीं रहेगा, हम जो गीला कचरा होता है उसको अपना खाद बनाने में यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे यूज करते हैं। उससे पहले आप जो मेरे चैनल में नए जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि जो नई वीडियो हैं जो मैं बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जैसे मैंने मटर के छिलके हैं ये आपको ये रख रखे दिखाने के लिए और कुछ जो छिलके हैं ये देखिए भिगा कर रख रखे, इसको आप पानी में भिगा कर यूज कर सकते हैं। जो मटर के छिलके हैं इसमें बहुत अधिक मात्रा में जो है फाइबर, जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम सब जितने भी एसेंशियल होते हैं पौधों के लिए वो सब पाए जाते हैं। छिलके हम अगर भिगा कर रखेंगे तो इसमें से जो लिक्विड बनेगा, देखिए ये लिक्विड खाद ये इस तरीके से बनेगी। इसको हम छानेंगे अपने पौधों के लिए, अगर पानी पानी जैसे देखिए इसको छान देंगे और अपने पौधों में इस तरीके से दे देंगे इसको, तो ये एक खाद बन जाएगी। खाद कैसे बनेगी, जब हम पौधों में देंगे इसको तो इसकी जो मिट्टी है वो इसको अवशोषित करके जितने भी इसमें एसेंशियल चीज़ें होती हैं पौधों के लिए वो इसकी जड़ें वो पौधों तक पहुंचा देंगी और मिट्टी की जो है उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है, क्योंकि हम गमलों में जब पौधे लगाते हैं तो उसमें पोषण की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि इसमें हम खाद नहीं दे पाते हैं। एक बार खाद दे दी तो उसके बाद इसमें खाद नहीं देते हैं। अगर आप मार्केट से खाद लाएंगे तो बहुत महंगी पड़ती है। मटर के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, बोरोन सब जितने भी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो सब होते हैं। और इसका दूसरा यूज मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से करना है। जैसे हमने देखिए भिगा कर रख दिया, उसके बाद ये डिकम्पोज होते रहेगा हल्के हल्के, इसको हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ये जैसे कोई गमला है, गमले के नीचे आप जैसे होल है उसमें एक टिपरी रख दीजिए कुछ भी, जिससे कि इसमें जो है मिट्टी इसमें नीचे ना जाए। उसके बाद हल्की सी मिट्टी डालेंगे, हल्की सी मिट्टी डाल देंगे इसमें और जो मटर के छिलके जो हमने रखे हैं इनको इस तरीके से इसमें डाल देंगे। ये देखिए इतने मटर के मैंने छिलके इसमें सब डाल दिए हैं और ऊपर से हम इसमें और मिट्टी भर देंगे। ये धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहेगा और आपके पौधों के जितने भी खाद में जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो पौधा इससे बना लेगा। इस प्रकार से इसको मिट्टी से भर देंगे। देखिए आपका ये इस चीज़ में भी यूज हो जाएगा, मटर के छिलके आपके कोई बर्बाद नहीं जाएंगे। एक तो इनसे लिक्विड खाद हमने पौधों में दे दी, उस प्रकार से भी दे सकते हैं और अगर कोई गमला भरना है हमने तो इस प्रकार से इसको गमले को भी भर सकते हैं। ये देखिए मैं इसमें एक पौधा लगा कर दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरे सूरजमुखी का पौधा है, ये एक्स्ट्रा हुआ था, इसको मैं इसमें लगा रहा हूँ। आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से इसको लगा देंगे, इससे क्या होगा आपके जो मटर के छिलके हैं वो इसमें यूज हो जाएंगे और आपको गीला कचरा और सूखा कचरा उसमें अलग करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका इसी में यूज हुई है। ये देखिए कितनी आसान विधि है, देखिए आप इसको घर में यूज कर सकते हैं। मैं इसी प्रकार से कोई भी प्लांट लगाता हूँ, नर्सरी से लाता हूँ या घर में ही लगाता हूँ, तो इस प्रकार से उसमें नीचे से जो है मटर के छिलके जैसे अभी यूज कर रखे उसी प्रकार से मैं प्याज के छिलके, आलू के छिलके वो भी यूज कर लेता हूँ। तो आपको ये खाद बनाने की इंस्टेंट तकनीक कैसी लगी, आप भी इसको यूज करें और अगर अच्छी लगी है तो आप
इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।